आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज वीडियो में लेकर आए हैं वो एक मूवी का ट्रेलर जिसका टाइटल है बवाल। और स्टार का अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्ट किया है इसको नितेश तिवारी ने। और अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें उसमें है साजिद और अश्विनी अय्यर तिवारी। और कास्ट में है वरुण धवन, जानवी कपूर, मनोज पावा और मुकेश तिवारी। तो चलिए देख लेते मूवी का ट्रेलर। लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके लोग इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लखनऊ की पावन धरती पर झूठ के बीज बो के अज्जू भैया ने अपनी इमेज की लहलहाती फसल खड़ी की है। बेटा माहौल ऐसा बनाओ कि लोगों को माहौल याद रहे, रिजल्ट नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने क्या किया था? सबसे पहले पोलैंड पर चढ़ाई की थी सर। वेरी गुड गुड। बैठो सर, मेरे लिए कुछ काम था। नहीं, यू कंटिन्यू। निशा जैसी लड़की हमें मिल जाए ना तो हमारी इमेज और भी सेट हो जाएगी। ओके। विराट कोहली, राहुल द्रविड़, फरारी, स्कूटी, सर्दी, बारिश, हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ कॉमन होना जरूरी है क्या? तुम जो मिले तो प्लान क्या है ना? वर्ल्ड वॉर। तू सोच रहे कि निशा को यूरोप लेके जाए? कितना? नहीं नहीं पापा, आपसे थोड़ी लेंगे हम। चलो ठीक है, 8-10 लाख। अज्जू ना आपको जो चूना लगा रहा है। कितना कुछ सीखना बाकी भाई आपसे। तुझसे मिलके हुआ मेरे दो नंबरियां ना। फुल कॉन्फिडेंस में निकलना। ऑफिसर गुड मॉर्निंग, स्टेप आउट प्लीज। हु मी? यस यू। कौन मारा स्टाइल? किसे मिलो ना तो कहना बोंजोर, कोई मदद वदद कर देना तो कहना मर्सी बोकू, मतलब थैंक यू। तुम्हारा तो काम सिर्फ बोंजोर से ही हो जाएगा। थैंक यू तो तुम कभी किसी को बोलते नहीं हो। दिलों की ये डोरियां रब ने है जोड़ियां। कैप्सूल वैप्सूल लेता है? नहीं लेता यार। लेता है ना, अरे बनाया खुद। लो आ गए हिटलर के शहर में। असली वर्ल्ड वॉर ना अब शुरू होगा। कितने सेल्फिश इंसान हो यार, इमेज के सिवा और कुछ नहीं देखता है। क्योंकि हमेशा जिंदगी में चाहिए था, कभी नहीं मिला। लाइफ पार्टनर भी मिली ना तो तुम्हारे जैसी डिफेक्टेड पीस। हम सब भी तो थोड़े बहुत हिटलर जैसे ही है ना। जो अपने पास है उससे खुश नहीं है, जो दूसरे के पास है वो चाहिए। ये जुनून कभी खत्म ही नहीं होता। वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गई, लेकिन ये अंदर की वॉर कब खत्म होगी कोई नहीं जानता। कल्पेश भाई, चकली आपो ना, चकली। हेडफोन चकली दे दो ना जरा उधर। आ ढोकड़ा पास कर दो ना जरा, खट्टा मीठा दे दो ना। ए मित्र ठाकरा। ए आऊ शू करो छो? ओ भाई भाई, मुझे तो लगा था कि पूरी मूवी जो है वो कॉमेडी होगी, लेकिन एंड तक आते थे काफी ज्यादा ड्रामा जो है वो क्रिएट हो गया। वैसे ये उस इंसान जैसे बनाए हुए जिन्होंने एक छल जो है क्रिएट किया होता है अपने इर्द गिर्द। अज्जू भाई नाम ही बहुत फनी है। वैसे अज्जू भाई ना थोड़ा थोड़ा इस तरह का भी नाम साउंड करता है, जैसे कोई मोहल्ले का गुंडा नहीं होता ना। हाँ। अज्जू भाई, मैं वेलकम में भी वो नाम था ना, अज्जू था नाम। अच्छा, याद भूल गया। लेकिन जिस तरह से स्टार्ट हुई थी, मुझे भी यही लग रहा था कि फुल हमें कॉमेडी मूवी देखने को मिलेगी। जो ट्विस्ट था उसका सोचा नहीं था, बट मुझे लग रहा है कि ट्विस्ट भी काफी ज्यादा बवाल मचाने वाला। पहले तो मुझे लगता है कि कॉमेडी बवाल मचाएगी, और सेकंड हाफ में मुझे लगता है कि जो पर्सनल उनका रिलेशनशिप होगा उसमें बवाल आ जाएगा। तो वो मुझे लग रहा है कि इस तरह से एक मूवी की स्टोरी लाइन। लेकिन मुझे जो है ना एक चीज बीच में समझ नहीं, जैसे जो है वर्ल्ड वॉर 2 का बीच में बहुत ज्यादा जो है वो रिलेट किया गया है, वो क्या सीन होगा? उनकी जो लड़ाइयां होंगी वो वर्ल्ड वॉर 2 से कम नहीं होंगी, ये चीज दिखाई गई है। जर्मनी जब गए होंगे ना तो उसके बाद उनके बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी और वहां से उन्होंने कॉन्टेक्स्ट इस तरीके से लिया। अच्छा, नहीं जाते वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई वहां से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो एक फ्लैशबैक काफी ज्यादा, एक भी नहीं बल्कि काफी ज्यादा फ्लैशबैक जो है वो बीच में दिखाया गया है। हां, और जो है ना वरुण धवन, मुझे लगता है इस मूवी में उस तरह के इंसान दिखाएंगे जो कि बहुत ओवर स्मार्ट जो है वो बनते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए जैसे वो दूसरे मुल्क भी जाते हैं, वहां जाके भी वो ऐसे ही करते हैं, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, तो पुलिस वाले आ जाओ साइड पे। लेकिन मुझे लगता है कि जो फेक
लोग होते हैं जो एक्चुअली में उनकी पोजीशन बहुत डिफरेंट होती है, दूसरों के सामने प्रिटेंड करते हैं कि भाई हम बहुत, हमारा कुछ रुतबा है, रुतबा है। वैसे यहाँ पर भी मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखती हूँ, इसलिए मुझे बहुत सारे लोग मेरे माइंड में चल रहे हैं जो कपड़े ऐसे पहनेंगे, अकड़े हुए शलवार कमीज, और उसके बाद बाहर आकर, और जब कभी उनके घर आप देखो और वहाँ पर आपको बच्चों को बेचारे को खाने को नहीं होगा। सो ऐसी भी दुनिया है जो हम लोग देखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो दिखावा है ना और दिखावे की दुनिया, इसको वाकई में मुझे लगता है इसके साथ जंग करना बड़ा मुश्किल काम है। तो सबसे पहले अपने आप को बेहतर करना। तो वो देखे ना, वही चीज बीच में दिखाई हुई है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो एक छल के साथ जो है वो क्रिएट की हुई है, लेकिन जब वो चीज टूटती है, उस चीज का भरम टूटता है, तो उन्हें वो चीज बुरी लगती है, और वहीं से जो है फिर मिसअंडरस्टैंडिंग जो है दोनों में क्रिएट होना जो है शुरू हो जाती है। क्योंकि देखा जाए तो शादी से पहले भी जब उनको डेट कह रहे थे बियर के कप के साथ, वहां पे भी कह रहे थे हम दोनों में कोई चीज जो है वो कॉमन नहीं है, वो एक्स्ट्रा छोड़े होते हैं ना, छोड़े होते हैं। और जानवी कपूर की एक्टिंग की बात करें तो मुझे काफी अच्छी एक्टिंग उनकी लग रही है, क्योंकि जिस तरह वो करेक्टर को प्ले कर रही है, जो डिमांड है उसके मुताबिक तो वो काफी अच्छा सूट कर रहा है उनको। वैसे और कुछ नहीं तो हमारा जानवी कपूर जो है वो सही हो गया, वरना मुझे याद है कि हम लोग जब पहली मरतबा उनका सॉन्ग देखा था ना वो मूवी का, यार जिन 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 ना, तो उस टाइम पर हम जानवी कहते थे, जानवी नहीं कहते थे। वो बस टाइम के साथ साथ जो है ना हमारी भी जितने भी वर्ड्स हैं वो सही होते जा रहे हैं। मनोज सर की अगर मैं बात करूँ, बहुत अच्छे, बहुत फाइन एक्टर हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पर जो वरुण धवन है वो अपने फादर को भी चूना वाकई में लगा रहे हैं, फंसा रहे हैं जब वो बाहर के कंट्री में जाते हैं। चले अब तो ये मूवी आएगी फिर ही पता चलेगा, क्योंकि इसी महीने जो जुलाई में मूवी जो है अमेजन प्राइम पे रिलीज हो जाएगी, तो पता चल जाएगा कैसी मूवी है। मुझे लगता है कि ऐसी मूवीज भी आपको देखने का मजा आता है, जो कॉमेडी ड्रामा डायलॉग है ना, अच्छा टाइम पास हो जाता है। एनीवे आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लग रही है मूवी, और इसी के साथ मेरे वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर गुड बाय।